गाइस, ट्रिपो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं SMJ और आज के इस वीडियो में हम कार्बिन को बीच पोर्ट ब्लेयर का विजिट करेंगे। अंडमान निकोबार में आने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इस बीच का विजिट ना किया हो। ये बीच अबारिन मार्केट से 6 किलोमीटर दूर है और जितना खूबसूरत और अमेजिंग ये बीच है उससे भी कहीं ज़्यादा अमेजिंग इसका रास्ता है। तो चलते हैं हम कार्बिन को बीच की तरफ। अभी होगी मौज मस्ती और सैर सपाटा। दोस्तों, आप लोगों के लिए इस वीडियो में मेरे पास में एक सरप्राइज है, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं पूरा कार्बिन कोर बीच कितना खूबसूरत है और आप यहाँ नहा सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो। चलिए चलिए चलिए। दोस्तों, यहाँ पर होती है बहुत सारी सी एक्टिविटीज़, जैसा कि आप देख सकते हो पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, स्पीड बोट, आप इन सब का आनंद ले सकते हो। और ये सब पेड़ है और कितना रुपए आता है, कहाँ से करनी पड़ती है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो अब मैं जा रहा हूँ पानी में नहाने के लिए, मज़े करेंगे और मेरे दो दोस्त वहाँ पर भी है, उनके साथ मिलकर खूब नहाएंगे, मज़े करेंगे। दोस्तों, आप लोग कार्बिन को बीच पोर्ट ब्लेयर पे आगे कोई पेड एक्टिविटी करो या ना करो, लेकिन यहाँ पे आगे पानी में जरूर डूबना, बड़ा मजा आएगा भैया। इस बीच पे जो आने का टाइम है वो है 3 बजे। अगर आप 3 बजे आएंगे तो आप दिन के टाइम का भी एंजॉय ले पाएंगे और साथ ही साथ जब रात हो जाएगी, यहाँ 5 बजे रात हो जाती है, तो 5 बजे के बाद में आप रात के जो टाइम पे यहाँ पे जो लाइटिंग होता है और जो भी यहाँ एक्टिविटीज़ होती है उनका भी एंजॉय ले सकोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे 3 बजे आए। दोस्तों, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस जगह पे जिसका मैंने प्रॉमिस किया था कि वो एक सरप्राइज है, तो मैं सरप्राइज को अनलॉक करने जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ में, अभी देखते हैं वो सरप्राइज क्या है। तो दोस्तों, वो सरप्राइज है जापानीज बंकर जो कि World War II के टाइम पे जापानीज इंपीरियल फोर्स द्वारा बनाए गए थे। आप एक बार वीडियो को पॉज करें और इसको पूरा पढ़ें तो आपको समझ आएगा। दोस्तों, यही हो जापानीज बंकर, एक आम सी दिखने वाली ये है छोटी सी गुमटी, एक मंदिर के आकार की। इसका यूज जापानीज बंदरगाह की सुरक्षा के लिए करते हैं, मीन्स पोर्ट सिक्योरिटी के लिए इसका यूज किया जाता था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये इसमें एक गणेश की मूर्ति रखी हुई है। इस बंकर के अंदर एक बड़ी सी गन होती थी और उस गन का जो बैरल है वो इस स्क्वायर टाइप के होल के अंदर से बाहर आता था, जो जिसका फेस आप देख सकते हो कि सी की तरफ खुलता था, जो कि इसकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे ही बंकर यहाँ पे दो बने हुए हैं, एक बंकर वहाँ पे भी है जो आप देख सकते हो ऊपर की साइड में एक बंकर बना हुआ है, और एक बंकर वो जो देख सकते हो इस बीच के एंड में है। तो इन बंकरों के इस्तेमाल से जापानीज अपनी बंदरगाह की रक्षा करते थे। ये है इस बंकर के अंदर जाने का रास्ता, इधर से सैनिक और जो भी ऑपरेटर होता था वो अंदर जाता था। दोस्तों, यह है सी कार्ट एडवेंचर का ऑफिस जो कि सारी सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाता है, और यहाँ पे आपको जेट स्की के लिए पे करने पड़ेंगे 600 रुपीज़।
एंड फॉर पैराग्लाइडिंग यू हैव टू पे 3,000 rupees. फॉर सी कार्ट यू हैव टू पे 3,500 rupees पर हेड. और यहाँ पे आपको पहले से आके बुकिंग करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ की टिकट सोल्ड आउट हो जाती है. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा जल्दी आए और यहाँ पे आके अपना सीट बुक कर लें. कार्बिन को बीच दोस्तों के साथ में मस्ती करने के लिए और फैमिली के साथ में पिकनिक करने के लिए, साथ ही साथ गर्लफ्रेंड के साथ बीवी के साथ रोमांस करने के लिए एक अच्छी जगह है. तो आप यहाँ जरूर आए और एंजॉय करें. यहाँ पे बहुत सारी शॉप भी लगी हुई है जहाँ पे आपको मिलेगा सी सेल्स आइटम. थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए. अगर से आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.